अच्छा क्या है, क्या है, क्या है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपकी। अरे आगे देखो मरोगे। अच्छी गाड़ी देखी नहीं और रेस करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए दोस्तों। उनसे बोल दो टाटा बाय, हमको रेस नहीं करनी दोस्तों। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज का व्लॉग करता हूँ स्टार्ट। और दोस्तों अभी हम हरियाणा जाके आए थे और अब मैं जा रहा हूँ घर पे। दोस्तों NH 48 पे चढ़ूँगा दोस्तों मैं आगे, तो अभी दोस्तों NH 48 आने वाला है, ये आ गया है दोस्तों। अब इस पर चलेंगे NH 48 पे, और अब पुलिया के नीचे हैं, अब चलते हैं ऊपर। दोस्तों आज का व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ हाईवे पे ही, तो चलते हैं शूट करते हैं। हरियाणा वाला एकदम मस्त रोड था, बहुत अच्छा रोड, 6 लेन, बिजी रोड नहीं था दोस्तों, एकदम खाली रोड था और मज़ा आया उस पर बाइक भगा के। देखी मैंने दोस्तों 120-122 चल रही थी गाड़ी वहाँ पे, बाइक इसकी टॉप स्पीड चेक की थी वहाँ पे दोस्तों मैंने। और अब चल रहे हैं घर पे, तो दोस्तों अभी घर चल रहे हैं और यहाँ से हमारे घर 40 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और अब चढ़ गए मैं NH 48 पे, और यहाँ पहले सर्विस रोड पे चल रहे थे दोस्तों, अब NH 48 पे आ गया दोस्तों मैं। यहाँ से चलते हैं घर, यहाँ से कोटपुतली आएगा दोस्तों आगे। और अभी चलते हैं दोस्तों घर पे। अरे क्या प्रॉब्लम है, ओए दोस्तों देखो क्या प्रॉब्लम हो रही इनके, क्या करना है, ये आंगली का मतलब क्या होता है, फिगर दिखा रहे हो आप दोस्तों। ये देखो क्या है पता नहीं, छप्पी भाई कर ऐसे होते हैं लोगों, देखो ऐसे उंगली कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, देखो ये कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। अरे रहन दो, चलो चलो, क्या रेस करनी है क्या, अरे रहन दे। अच्छा ओहो दोस्तों कैसे कर रहे हैं, रेस करने की कह रहे हैं दोस्तों। और मैं बोल रहा हूँ उनके पास हेलमेट भी नहीं है, और दोस्तों बाइक देखी नहीं उस, तो उनके पास अपाची है, मानता हूँ 150-200 cc होगी, लेकिन ऐसे कर रहे हैं, उंगली फिगर दिखा रहे हैं दोस्तों। इनको बोलते हैं बाइक छपरी वाले, इन लोगों से बच के रहना चाहिए दोस्तों, ऐसे काफ़ी मिलते हैं हाईवे। अब मैंने पीछे भी देखा था दोस्तों, और इनको पता नहीं है KTM है, ये एक ही रेस में इनसे आगे चल जाएगी दोस्तों, पर अभी तो दोस्तों फिगर दिखा रहे हैं। अच्छा क्या है, क्या है, क्या है दोस्तों, एक रेस में आगे आ गया यार, ये पीछे रह गए सभी के सभी। ये एक ही रेस में ऐसे जाती है फर्राटे की राइन, इसका ताकत बहुत है दोस्तों उसमें। और वो एक अपाची है दोस्तों, 150-150 cc है, 100 से है, पता नहीं कौन है दोस्तों, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं रास्ते में, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए दोस्तों। अब मेरे को रेस भी नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि अब ये थोड़ा NH 48 है दोस्तों, बिजी रोड है, तो यहाँ पे रेस करना ख़तरनाक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ट्रक ही ट्रक चलते हैं। देखो दोस्तों कैसे आ रहे हैं लोग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपकी। अरे आगे देखो मरोगे, भग रहे हैं ऐसे, ट्रक को देख ही नहीं रहे दोस्तों, अभी ट्रेलर में घुस जाते देखो। इनका जोश मिटना ही पड़ेगा दोस्तों, इनसे आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो ये परेशान करेंगे पूरे रास्ते में दोस्तों, पता नहीं क्या है। अब आ जाओ आप, कहाँ चलते हो, आ जाओ आ जाओ। मेरे को पता नहीं दोस्तों ये बाइक है, KTM है, ये कहीं भी छोड़ देगी, मानता हूँ उनकी भी आप अच्छी है दोस्तों, अच्छी होगी गाड़ी, उनकी रेसर है, पर अच्छी गाड़ी देगी नहीं, लोग पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं लोग बहुत ज़्यादा। अभी पीछे कर रहे हैं दोस्तों, इनसे आगे चलना है, मेरे को कोटपुतली पूछना है दोस्तों, और चलते हैं अपन, कोई से पंगा नहीं करना दोस्तों, आराम से चलना है। यहाँ पे खतरनाक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा सड़क भी थोड़ी सकड़ी सड़क है दोस्तों यहाँ की, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ का दोस्तों। ऐसे बाइकरों से बच के रहना चाहिए, कभी कहीं भी जा रहे हो, टूर कर रहे हो आप, तो ऐसे लोग काफ़ी मिलते हैं दोस्तों, आ जाओ मेरे रेस कर लो, अच्छी गाड़ी देखी नहीं और रेस करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए दोस्तों। उनसे बोल दो टाटा बाय, हमको रेस नहीं करनी दोस्तों। पर दोस्तों लहरी पट रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है।
अभी भी आ रहे हैं पीछे से, देख देख फिर आ गए दोस्तों। क्या तो मेरे को पीछा करना पड़ेगा दोस्तों इनसे, इनको जाने देता हूँ दोस्तों, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनके पास हेलमेट भी नहीं है, ऐसे ही भाग रहे हैं, ऐसे ही भगा रहे हैं भाई को दोस्तों। ऐसे नहीं मानेंगे, अब स्लो कर रहे हैं गाड़ी को। तो चलो दोस्तों इनसे आगे चलते हैं, नहीं मानेंगे क्योंकि अब स्लो कर लिया उन्होंने। यहाँ के नोकल होंगे दोस्तों, ये पनेला मोड़ से मैं घर जा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ के कोटपुतली के आसपास हैं ये लोग, ऐसे लोग काफ़ी मिलते हैं दोस्तों। अब बात ये है, 180 cc में होगी या 150 में होगी, 160 में होगी, 180 में होगी, बाकी ये 250 है दोस्तों, ये कहीं भी छोड़ देगी उनको, फिर भी कर रहे हैं रेस कर लो आ जाओ। क्या प्रॉब्लम है आपको? अब आप पीछे रहो। तो दोस्तों चलते हैं आगे हम, और आगे जाके अब इस हमारे रास्ते पर चलते हैं, यहाँ के नोकल लोग हैं दोस्तों ये, तो चलते हैं आगे। अब इनको मिलते ही नहीं है दोस्तों, ऐसे बाइकरों से बच के रहना चाहिए दोस्तों। अब मेरे को थोड़ा क्या ट्रैफिक लग रहा है दोस्तों, अभी ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं आगे से। तो दोस्तों मैं आगे आ गया, अब इनसे पीछे छूट गया, पता नहीं कहाँ पे रह गए। चलो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए दोस्तों। और वो छपरी बाइकर वाले हमारे पीछे रह गए, उनसे आगे आना पड़ा, नहीं तो ज़्यादा पंगा हो जाता कुछ, वो गुस्से में होते, हम गुस्से में होते। और अब हम आ गए दोस्तों सिंगल रोड पे, और यहाँ पे डलाएंगे पेट्रोल, 510 का डाल दूँ। बहुत महंगा है, उड़ रहा है अंकल ये, बहुत महंगा है, उड़ रहा है। देखो मैं हाथ लगा रखा हूँ, क्या करूँ, थोड़ा बहुत ही उड़ता था हमारे, उड़ रहा है अब तो, गल गए हैं टंकी में। दोस्तों पेट्रोल डला लिया और चलते हैं घर पे, और कभी भी छपरी बाइक वाले से ध्यान रहा करो, तो मिलते हैं रास्ते में, जो ऐसे ही पंगा करते हैं उनसे ज़्यादा पंगा करते हैं ना, तो ज़्यादा कुछ बात बढ़ती है हमारी। तो दोस्तों इसलिए मैं तो उनसे छुटकारा पा के घर पर जा रहा हूँ। रेस की होड नहीं करनी चाहिए किसी से भी, क्योंकि वो ऐसे थे दोस्तों, पता नहीं कब क्या हो जाता, हेलमेट भी नहीं था उनके पास, और बाइक एक्सीडेंट हो जाए बाई चांस कुछ हो जाए तो हमारी परेशानी हो जाती। इसलिए मैं दोस्तों उनसे आगे आ गया, और उनकी बाइक का पता नहीं चला, पीछे रह गई दोस्तों। मैं पीछे रहता था, रुक जाते थे, तो मुझे देर को आगे आना पड़ा रेस के खींच के गाड़ी को, और चलते हैं अब घर। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, टाटा बाय।